कुछ तो बर्फ जमी पड़ी है यार। रोइंग से जा रहे हैं यार, रोइंग शहर है और ये हमारे ब्लॉग भी करते हैं जी, ब्लॉग करते हैं। चैनल का नाम क्या है? नोमाड सुहेल। हाँ, नोमाड सुहेल। अब हम जा रहे हैं रोइंग, रोइंग से कहीं और दूसरी जगह। और जोर से बोलो। हाँ, रोइंग यार, रोइंग से जा रहे हैं यार, रोइंग शहर है और ये हमारे सर हैं ये भी, और ये हमारे साथ जाएंगे, लेकिन ये बाइक से आएंगे, इनकी बाइक पीछे खड़ी है, ये लेकिन लेट आएंगे और हम इसकी गाड़ी से जा रहे हैं सब से। और ये इतना अच्छा शहर है, ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट, पहाड़े यहाँ पर सामने पीछे, हम में पहाड़े हैं, देखो आप, हम भी पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं। दो सौ किलोमीटर सफ़र करीब 7-8 घंटे में तय होगा, देखते हैं कैसे रहता है पता। यहाँ हम रुके हैं थोड़ी देर के लिए, ये सिंगल रोड है बिल्कुल, दूसरी गाड़ी भी नहीं आ सकती और सिग्नल तो है ही नहीं, पता नहीं वीडियो भी कब अपलोड होगी, देखते हैं वाईफाई मिलेगी तो वहीं। दोस्तों बर्फ जमी पड़ी है, रास्ता है। हम गाड़ी से यहाँ तक पहुंच चुके हैं और देखो ठंड कैसी लग रही है भाई लोगों? ठंड बहुत है भैया, बहुत लग रही है। चलो बैठो जल्दी जल्दी, चलते हैं फिर। पहाड़े
ये लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ऊपर से मिट्टी खिसक के आ रही है नीचे धीरे धीरे, इसकी वजह धूल भी हो रही है सब में। ऐसे ही पहाड़ों पे खिसकती रहती है जमीन, और हम भी इसी डेंजर सी जगह पर आ गए हैं। देखो क्या होता है आगे आगे, मिट्टी खिसक रही है। मिट्टी खिसक के नीचे आ रही है, ऊपर काम चल रहा है रोड का, इसलिए ऊपर से मिट्टी नीचे को आ रही है रोड बनाने के लिए, लास्टिंग हुई होगी। यहाँ सब लोग खाना खाने के लिए रुके हैं, ये ढाबा है छोटा सा, और मैं किसी वजह से खाना नहीं खा रहा हूँ। ये देखो वैली के बीचों बीच बिल्कुल होटल बना हुआ है, हाईवे है, छोटा सा हाईवे फोर लाइन बन रहा है। ये पानी है, वैली है, गाड़ी यहाँ रुक गई, लैंडस्लाइडिंग हो गई है। आगे फौजी ये भी हैं जिनकी गाड़ी रुक चुकी है, और हमारी गाड़ी भी चाइना बॉर्डर है क्योंकि देखो खड़े फौजी साहब। ये वैली है, पता नहीं कौन सी रिवर है, इसका नाम नहीं पता अभी मुझे।